Evening students, today we will continue the simple interest and you can take your doubts on the simple interest today. Question number 21 is type ka questions bhi humare paas paper mein aa jata hai kabhi. Wo keh raha hai simple interest for 6 years will be equal to 30% of the principal. Ki jo interest hota hai na wo bhi principal ki hi terms mein given hota hai kai questions mein. Keh raha hai agar hum simple interest nikale 6 years ke liye to wo kiske equal aata hai? 30% ऑफ प्रिंसिपल के इक्वल आता है. इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर. ये अगर मुझे पूरा 100% प्रिंसिपल के इक्वल इंटरेस्ट चाहिए तो मुझे कितना टाइम लगेगा. ठीक है, देखो यहां से आप इसको दो मेथड से कर सकते हो. एक तो शॉर्टकट से कर सकते हो, एक फॉर्मूले वाले मेथड से कर सकते हो कि P into R into T upon 100 किसके इक्वल आ रहा है 30% ऑफ प्रिंसिपल के. तो 30 P upon 100 के इक्वल आता है इंटरेस्ट कब? 6 इयर्स के लिए अगर पैसे दिए जाए. ठीक है, तो टाइम की वैल्यू 6 लिख दी. P से हमारा P कैंसिल हो जाएगा, 100 से हमारा 100 कैंसिल. 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30. यहाँ से मुझे रेट ऑफ परसेंट मिल गया कितना है 5%. अब इसी रेट के हिसाब से 5% के हिसाब से मुझे प्रिंसिपल पे पूरा इंटरेस्ट चाहिए. मतलब इंटरेस्ट के रूप में मुझे क्या चाहिए? पूरा पूरा पी चाहिए, पूरा प्रिंसिपल ही इंटरेस्ट चाहिए. तो अभी हमारा रेट कितना आया था इससे पहले 5%. तो उसी रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल कितना गिवन है? प्रिंसिपल तो पी ही गिवन है. रेट कितना है? 5% इनटू टाइम. वो कह रहा है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम को हम टी ही लेट कर लेते हैं. अपॉन में 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना चाहिए? वो कह रहा है मुझे पूरा इंटरेस्ट चाहिए इक्वल टू प्रिंसिपल. मतलब अगर मुझे 100 रुपए उधार पे दिए तो मुझे 100 के 100 ब्याज के रूप में चाहिए. तो इंटरेस्ट पूरा चाहिए पी, है ना. तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा. टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से? टी इज इक्वल टू 100 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा. 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 20 ईयर्स लग जाएंगे अगर वापिस वही प्रिंसिपल इंटरेस्ट के रूप में चाहिए. कोई डाउट बेटा इसमें? गगन, साई, समृद्ध, क्लियर है क्वेश्चन? एक तो ये मेथड था. एक आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 इयर्स में मुझे 30% इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल का, है ना. अब मुझे पूरा 100% चाहिए तो कितना टाइम लगेगा? तो 1% के लिए कितना टाइम लगेगा? 6/30. और 100 के लिए कितना टाइम लगेगा? 6/30 × 100. तो 0 से 0 कट हुआ. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 ईयर्स. ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे. आई थिंक दिस मेथड इज द शॉर्टकट. देखो मुझे प्रिंसिपल का 30% इंटरेस्ट मिल रहा है कितने सालों में? 6 सालों में. 1% इंटरेस्ट कितने सालों में मिलता होगा? 6/30 डिवाइड कर दिया. अगली बार 100% चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए ज्यादा से कम की तरफ जाना है डिवाइड, कम से ज्यादा की तरफ जाना है मल्टीप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 22. ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा पेपर में आता है हमारे पास. एक सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इफ इट ट्रेबल्स. ट्रेबल्स मींस होता है 3 times. ट्राई, ठीक है, ट्राई इज फॉर 3. इन 10 ईयर्स व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? कह रहा है एक सर्टेन सम है, एक प्रिंसिपल है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे. इट ट्रेबल्स इन 10 ईयर्स. वो पहले से 3 गुना हो जाता है 10 सालों में. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? मतलब मैंने प्रिंसिपल मेरा पी से 3P हो जाता है. कितने टाइम में हो रहा है? 10 ईयर्स में हो रहा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? करें इसको सॉल्व.
देखिए मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, मैं क्या मान सकती हूँ, 100 मान सकती हूँ? 100 से कितना हो रहा है, 300 हो रहा है, कितने सालों में हो रहा है, 10 सालों में हो रहा है। बेटा ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल हमारा 100 से 300 हो रहा है, तो लास्ट में जो मिलता है वो तो अमाउंट मिलता है ना। मींस मेरा प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 300 है, तो इंटरेस्ट कितना लगा होगा मुरीद, आप बताओ। मैम 200 200 इंटरेस्ट, वेरी गुड। कितने सालों में लगा है, 10 ईयर्स में लगा है ना, तो जी डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, कितना आ जाएगा, 20% पर एनम। इट मींस रेट ऑफ परसेंटेज कितना रहा होगा इंटरेस्ट का, 20%। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर आता है ऐसा पेपर में कि प्रिंसिपल हमारा 4 टाइम्स हो जाता है, कभी कहेगा 3 टाइम्स हो जाता है, कभी कहेगा डबल हो जाता है, ठीक है, कभी कहेगा ट्रिपल हो जाता है, ट्रेबल ट्रिपल थ्राइस, थ्री के लिए ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 23rd, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज दे रखा है, टाइम पूछ रखा है। इन हाउ मेनी इयर्स ए सम विल बी थ्राइस ऑफ इट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कह रहा है कितने सालों में एक मनी अपने से 3 गुना हो जाएगी, थ्राइस, 100 से 300 हो जाना चाहिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। टाइम निकालना, तो 100 से 300 हो रही है, यानी कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 200 डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 20 इयर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, साइन रीड करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी इयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट। एट द सेम रेट क्या कह रहा है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो कि अपने से 3 गुना हो जाती है 20 सालों में। इन हाउ मेनी इयर्स डज इट बिकम डबल इटसेल्फ एट द सेम रेट। 3 टाइम हो रही है 20 इयर्स में, डबल करनी होती तो कितने साल लगते। हंड्रेड से कोई अमाउंट 300 हो जाता है 20 इयर्स में, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, वो रेट परसेंट निकाल लेंगे, वो कितनी डबल हो जाएगी, 100 से 200 हो जाएगी कितने सालों में। आंसर आ रहा है मैम 10 इयर्स। 10 इयर्स देख लेते हैं बेटा। देखिए 100 से 300 हो रही है, यानी इंटरेस्ट मिल रहा होगा 200 का, 200
इंटरेस्ट 20 इयर्स में मिल रहा है, तो 10% रेट रहा होगा। अब 10% रेट के हिसाब से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो प्रिंसिपल 100 से 200 हो रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा 100 रुपीज, तो 10 के हिसाब से 10 इयर्स आंसर आ जाएगा। गगन समझ में आ रहे क्वेश्चंस? हाँ ये आपको क्लियर है? मैम ये एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ जी बेटा, देखिए वो कह रहा है कोई भी अमाउंट था वो ना 3 गुना हो रहा है अपने से, 3 times हो रहा है 20 इयर्स में। माना मैंने 100 रुपए उधार दिए थे, 100 से 300 हो जाते हैं, कितने सालों में हो रहे हैं, 20 सालों में। ठीक है, आपको बताना है वो 100 से 200 कितने सालों में हो जाएंगे। बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, अगर 100 रुपए से 300 हो रहे हैं, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 200 का ही तो मिल रहा है ना, तो हमने ही दिए थे, 300 हमें लास्ट में मिले, तो 200 इंटरेस्ट मिला। 200 इंटरेस्ट कब मिल रहा है, 20 इयर्स में मिल रहा है, यानी 10 सालों में 100 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा। जब 20 सालों में 200 रुपए मिल गए हैं, तो 10 सालों में कितने मिले होंगे, इसका हाफ टाइम हाफ किया तो पैसे भी हाफ, तो 100 रुपीज इंटरेस्ट चाहिए मुझे यहाँ पे। Yes. 100 से 200 करना है ना, 100 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए इंटरेस्ट, तो 10 इयर्स आंसर आ जाएगा। ओके मैम, गगन आपको क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, आज जितने भी डाउट लेने हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट के ले लीजिए, कल से हम कोशिश करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। एक सर्टेन सम है सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टाइम दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 3/4 ऑफ सम, यानी 3/4 ऑफ प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो इसको। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल को पी लेट कर लो, रेट कितना है, नहीं गिवन, रेट तो निकालना है। टाइम कितना है, 12.5 ईयर, तो 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 12 into 1/2 को, 12 2 24, 24 + 1 25/2। और कह रहा है जो इंटरेस्ट मिलता ना वो खुद 3/4 है प्रिंसिपल का, तो इंटरेस्ट की जगह पे मैं लिख दू 3/4 ऑफ प्रिंसिपल। अब बेटा जहां पे कटिंग हो सकती है वहां पे कटिंग कर देंगे। देखिए P से P हमारा कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25 25 4 जा 100, 4 इस साइड भी है, 4 इस साइड भी है कैंसिल। R क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, 3 into 2 6%। क्लियर है? बोलिए बेटा। यस मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।